सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईएसओ। आईएसओ के बारे में हम आपको एक एक जानकारी फुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आईएसओ है क्या? आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये एक तरह का स्टैंडर्ड है। अभी आपको लगता होगा कि आईएसओ का फुल फॉर्म हमने गलत लिख दिया है, आईओएस यहाँ पे दिखता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ही है। तो आईएसओ एक तरह का स्टैंडर्ड है जो कि क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक प्रोडक्ट डेवलप करा, तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए ताकि इंटरनेशनल मार्केट में आप उसे बेच सके, सेल कर सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, तब आईएसओ क्या करेगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है उस केस में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन जो आईएसओ है वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी को वो वेरीफाई करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आईएसओ के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तब आईएसओ क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट का मार्केट में नाम बढ़ेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। और आईएसओ अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट देने का काम करता है, लेकिन उनके प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के बाद। थर्ड पॉइंट क्या है, आईएसओ 9001 स्पेसिफाई द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मींस इफ़ यू वांट टू चेक अ क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देन वी शुड यूज़ आईएसओ 9001, ठीक है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं, तब आप यूज़ करेंगे ISO 9001। ISO 9001 ही क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। वैसे ISO का बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ISO से चाहिए, तब आपको ISO 9001 का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और एक बार ISO का सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब आपका प्रोडक्ट अब इंटरनेशनल मार्केट में बिकने से या फिर चलने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर फोर्थ क्या है पॉइंट, ISO implicitly use the TQM technology to provide certificate for our organization based on the quality of the product। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो ये ISO सर्टिफिकेट TQM टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करता है। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर की पूरी क्वालिटी को जांच के, मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम को देखने के बाद ISO क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट दे देगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सर्टिफिकेट मिल गया, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को ISO ने सर्टिफिकेट दे दिया, इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन अब चल जाएगा, ठीक है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। अभी ISO सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है लोगों को, आपको ये भी जानना चाहिए। इफ़ अ कंपनी इज़ ISO सर्टिफाइड, देन द कंपनी हैज़ बिग नेम इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर कंपनी को ISO का सर्टिफिकेट एक बार मिल गया, तो उस कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत नाम हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट पे लोग बिलीव करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेंगे, वहाँ से सर्विस लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ISO पर लोगों को भरोसा है। सेकंड पॉइंट क्या है, द कंपनी एक्वायर्स द ISO सर्टिफिकेट विल चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म जस्ट टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी सर्विसेज इन द प्रोसेस बट नॉट फाइनलाइज प्रोडक्ट। अगर आप ISO सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आप अपने आप क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको भी, आपके अंदर भी एक कॉमन सेंस है कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको इज्जत दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आप भी सोचेंगे कि अब रेपुटेशन मेरे को भी अपने तरफ से बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर पूछेगा ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और देखो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अच्छी सी सर्विस भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ISO का सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। वैसे तो ISO तभी सर्टिफिकेट देगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन सही होगा, सारी सर्विस अच्छे से देगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी देगा। उसके बावजूद लोग क्या करते हैं, अपने तरफ से भी कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो चलिए और भी पॉइंट है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। वी कैन इंक्रीज रेवेन्यू एंड बिजनेस बिकॉज वंस वी ISO सर्टिफाइड देन द कस्टमर स्टार्ट्स बिलीविंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को ISO ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो मैंने पहले भी बोला जो भी कस्टमर है, लोग हैं, वो आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनको ट्रस्ट आ जाएगा। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका है और ये मैंने बनाया, आपके प्रोडक्ट को ISO ने सर्टिफिकेट दे दिया और मेरे प्रोडक्ट को नहीं दिया है, जबकि दोनों सेम प्रोडक्ट है, फिर भी लोग आपके प्रोडक्ट को ही परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ISO के ऊपर भरोसा है, आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा लोगों को ISO के सर्टिफिकेट के ऊपर भरोसा है कि अगर ISO ने इसको बोल दिया कि सही है, मतलब ये सही है, ठीक है। नंबर फोर्थ, ISO प्रोवाइड सम बेंचमार्क एंड गाइडलाइंस फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दोज सर्टिफाइड बाई ISO। ISO ना कुछ गाइडलाइंस और बेंचमार्क भी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो सर्टिफिकेट देता है किसी को कि आपको भाई ऐसे ऐसे काम करना है, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है। अगर आप ISO के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, ISO सर्टिफिकेट पा जाने के बाद भी, तो ISO क्या करेगा, सर्टिफिकेट को वापस भी ले लेगा, एग्रीमेंट को वो कैंसिल भी कर देता है। नंबर फिफ्थ, द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ईजिली मेजर एज वेल एज वी कैन ईजिली प्रोवाइड द टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट हम आसानी से दे सकते हैं। अगर ISO बोल दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो प्रोडक्ट का प्रोग्रेस होना तय है, साथ ही साथ हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारा हिसाब किताब दे सकते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिसको ISO ने सर्टिफिकेट दे दिया है। तो ये था हमारा ISO, उम्मीद करते हैं आपको ISO का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।